हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यह स्थान कहलाता है जय बाबा दुबे। एक बरगद का पेड़ है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जो कि केड़िया में पड़ता है। केड़िया इनारापुरम, यदि आप जानते होंगे तो यह बेलहर मुख्य, बांका बेलहर मुख्य मार्ग पर है। मुख्य मार्ग से थोड़े दूर अंदर आना पड़ता है केड़िया मोड़ से, और यहाँ पर काफ़ी मान्यता है इस बरगद पेड़ के बारे में। आपको यदि कोई ऐसा है कि सर्प यदि किसी को काट ले, अगर उसे डायरेक्ट यहाँ लाया जाए काटने के बाद, उसे यहाँ पर कुछ है उनका जो होता है वहाँ पर, यहाँ पर जो उनके पूजा करने वाले हैं उनसे पूजा यहाँ पर मदद किया जाता है, तो उसका बोलता है कि उसका 20 साल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और आदमी ठीक हो जाता है, ऐसा भी है। और आज तो फिर बट सावित्री पूजा है, तो आज यहाँ पर तो पूजा करने वाली पूरा भीड़ रहेगी यहाँ पर, और काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है बरगद का पेड़ हमारे एरिया का। सबसे मतलब हमारे एरिया का सबसे बड़ा और विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है बरगद पेड़ है। बगल में ही यहाँ पर एक केड़िया दुर्गा मंदिर है, जहाँ पर कि हर एक वर्ष अष्टमी नवमी के दिन और दुर्गा पूजा में मेला भी लगता है यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध हमारे एरिया का बरगद पेड़ है और काफ़ी बड़ा है, हमारे एरिया का सबसे बड़ा विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है बरगद का पेड़। यहाँ का स्थान जय बाबा दुबे के नाम से हमारे एरिया में प्रसिद्ध है, और बगल में ही आपको दिख रहा होगा केड़िया दुर्गा मंदिर है। यहाँ पर हर एक वर्ष दुर्गा पूजा के अवसर पर मेला का भी आयोजन होता है इस जगह पे, और आज तो बट सावित्री पूजा है, तो आज तो यहाँ पर पूरा भीड़ लगना है। हम सुबह सुबह यहाँ आए हैं और आपको जय बाबा दुबे का दर्शन करा रहे हैं। देखिए आप कितना विशाल ये फैला हुआ है पूरा ये बरगद का पेड़। ये केड़िया में पड़ता है, बांका बेलहर मुख्य मार्ग से केड़िया मोड़ से आपको थोड़ा सा 300 मीटर अंदर आना होता है। आज बट सावित्री पूजा है, तो सुबह से ही आप देख सकते हैं यहाँ पर पूजा करने वालों का स्टार्ट हो गया है।